गाइस नमस्ते, मैं हूँ आयुष और आपका स्वागत है आयुष किचन में। आज हम एक इमली की चटनी बनाएंगे और यह जो हम इमली की चटनी आज बनाएंगे ये स्पाइसी भी होगी और स्वीट भी होगी। आइए देखते हैं कि ये इमली की चटनी कैसे बनती है। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, ये मैंने 1 कप के करीब लिया है। इमली का पल्प, ये भी मैंने 1 कप के करीब लिया है। गुड़ लेंगे, आप किसी भी ब्रांड का गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैंने 60 ग्राम के करीब लिया है। नमक लेंगे 2 चम्मच के करीब या स्वाद के अनुसार। गरम मसाला लेंगे 1 चम्मच के करीब। रेड चिली पाउडर लेंगे 1 चम्मच के करीब। चिली पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच के करीब। जीरा लेंगे 1 चम्मच के करीब। चीनी लेंगे 1 चम्मच के करीब। ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर लेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब। और भुना हुआ जीरा, ये मैंने तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ये मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया है। और 1 चम्मच के करीब लेंगे ऑयल। अब एक पैन को गरम करेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और ऑयल को गरम करेंगे। और जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, ऐड करेंगे जीरा और हल्का सा सोते करेंगे। और जब ये जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ के सभी पीसेस डालने हैं हमें। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और गुड़ के जो है मेल्ट होने का वेट करेंगे। फ्लेम को ये सब हम पूरे प्रोसेस में लो में ही रखेंगे ताकि हमारा गुड़ नीचे पैन में चिपकना नहीं चाहिए। और लीजिए, गुड़ हमारा पिघल चुका है। 2 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ऐड करेंगे वाटर और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसको एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। और जब एक बॉयल आ जाए फ्लेम को, जब इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए, इमली का पल्प डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम इसमें हाई में ही रखेंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। और जब इसमें एक उबाल आ जाए तो फ्लेम को दोबारा से कम कर देंगे। और अब हम इसके अंदर अपने सभी जो है मसाला ऐड करेंगे। शुरुआत करेंगे चिली पाउडर के साथ, उसके बाद ऐड करेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और नमक। और सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से जो है मिला देंगे। थोड़ी देर के लिए अब हम हाई फ्लेम में इसको एक उबाल आने देंगे, बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तब ये और भी गाढ़ी दिखेगी और हो भी जाएगी। और एक उबाल आ गया, फ्लेम को थोड़ा लो में कर देते हैं, बंद कर देते हैं फ्लेम को। और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, बाद में सर्व करेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो सर्व कर दीजिए। और ये कितनी क्रीमी और चॉकलेटी लग रही है, बट ये है नहीं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नई और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।